See, this looks really good, but it looks manly. Yeah, it won't go with jeans. See, अभी तू feminism कर रही है. Feminism नहीं कर. पिछले 2 घंटे से छोटे बच्चे की तरह मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ या मेरी मम से कोई तो उठ जाए और बस मेरे से बात करे. आई थिंक उठ जाएंगे थोड़ी देर में. वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. एक व्लॉग खत्म किया, दूसरा व्लॉग शुरू किया सुबह के 8:30 बजे. एंड आज मुझे जेटलैग होने वाला है. जेटलैग क्यों होने वाला है? जेटलैग की वजह होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी को लगता है कि आपको सोना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो कोई दूसरी कंट्री में जाते हो जहाँ पर जब आप सोते हो तब दिन होता है, तो बॉडी बोलती है कि सो जा. ऑल्दो आप सोए हुए हो और आपको नींद आती रहती है पूरा टाइम जबकि आपको जागना रहता है. मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि मैं हर दिन ये टाइम पे सो रहा था लेकिन अभी मैं जाग रहा हूँ. मुझे वो वाली फ्रेशनेस नहीं आई ऑल्दो मैं आराम कर चुका हूँ. तो होपफुली सब ठीक हो जाए. होपफुली आपको मैंने कन्फ्यूज़ ना किया हो. मैं ब्लॉग जो अपलोड कर रहा हूँ, कल क्या था 24th, ये घर की इंटरनेट स्पीड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा 4K 60 अपलोड होने में. जिंदगी में थोड़ा बिजी क्या हुआ, दृश्यम 2 आ गई तो अमेजन प्राइम पे मैं वही देख रहा हूँ. बहुत सारे रिव्यू देखे एंड एवरीबडी सेइंग दैट इट्स एन अमेजिंग मूवी. जब तक लोग सोके उठते हैं तब तक अपन दृश्यम 2 जो है शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसी पिक्चर है. अच्छा है, थिएटर वेटर जाके देखने की मगन नहीं. पचास मिनट हो गए मूवी को, अभी तक तो मूवी बहुत अच्छी लग रही है. हाई एक्सपेक्टेशंस. अरे बाप रे बाप गाइस, क्या पिक्चर है दृश्यम 2. एक दृश्यम 1 मूवी आई थी मम्मी, उसका रीमेक बना था अजय देखने वाला हिंदी में, और अभी मैंने वो मलयालम पिक्चर देखी. क्या पिक्चर है, मतलब एंड इज माइंड ब्लोइंग. ऐसा लगा अपना हिंदी सिनेमा का भी सोच नहीं पाएगा शाइनस. ये दृश्यम 2 एक नंबर, यू शुड वॉच इट. गुड मॉर्निंग बाय द वे. You slept well, I guess. I slept well. I took a bath well. You should watch Drishyam. You all should watch Drishyam 2 on Amazon. It's an amazing movie. मतलब मुझे नींद आ रही थी ना, देख के ऐसा हो गया मैं. सेम कास्ट है, सेम कास्ट, दैट इज अ ब्यूटी. सेम नहीं नहीं, मतलब हिंदी वाला नहीं है, ये केरला की मूवी है, साउथ वाली मूवी है. तब मजा आ जाएगी देख के. तो दिन दिन में जो इतने दिनों से नई चीज़ हो रही थी वो आज हो रही है. अरे यार, ये मैंने गाड़ी कैसे पार्क की यार, तो जा ही नहीं सकता. लेट मी ट्राई. ये मैंने पार्क कैसे किया यार, पार्क किया तो मैं निकला कैसे? कभी कभी रात को पार्क रहा ये. अरे बाप रे बाप, ये बड़ा टेंशन वाला काम है. तो मैं बोला दिन में जो इतना दिन से प्लान होता नहीं हो रहा है वो आज होगा, और वो है चाइनीज के लिए नया राइडिंग पैंट और होपफुली शूज, और होपफुली मेरे लिए नया टैंक बैग लेके आना. तो जैसा कि मैंने आपको व्लॉग की शुरुआत में बोला था कि हल्का फुल्का मेरी बॉडी जेटलैग हो जाएगी, मैं शानिस को वही एक्सप्लेन कर रहा था. सो आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट. ऑल्दो आई एम वेरी फ्रेश, कॉफी पे पी के निकला हूं, बट निकल, वी डिड इट, वी आर ऑन द सेम ट्रैक, सेम टाइमिंग. या बट आई एम गोना स्लीप अर्ली टुनाइट. लेट्स सी व्हाट टाइम यू स्लीप. आई माइट स्लीप बाय 8 o'clock. ओह या, एंड देन गेट अप एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग और व्हाटएवर नाइट यू कॉल इट. तो अभी थोड़ा मुझे आज और कल बर्दाश्त करना है और फिर आई विल बी गुड टू गो. मतलब अगर मैं ट्रैफिक में इरिटेट नहीं हो रहा हूं तो यही हुआ है शानिस. मेरे को अभी डिटॉक्स मिला ना मलाड से. हाँ. तो बट बोलते ना आप मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग नहीं खाओ, फिर महीनों बाद खाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको. एवरीडे खाओ तो फर्क पड़ता है. तो बस जेविलर मुझे एवरीडे नहीं मिलता, कभी कभी मिलता तो इट डजंट अफेक्ट मी एनीमोर. ओके मुझे डैनी भाई ने और हैप्पी भाई ने ये जगह सजेस्ट की है, लैब्स, लेजी एज बाइकर. तो अगर शानिस के लिए जीन्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट शी लाइक्स. डेनिम इज बेटर, रेन पैंट्स तो है, तो अगर कभी बारिश आए तो शी कैन जस्ट वेयर द रेन पैंट्स. हाउ इज इट? सो दिस इज गुड, कंफर्टेबल. इट्स एक्चुअली वेरी टाइट, मतलब टाइटली हगिंग, बिकॉज़ इट्स नॉट बी टाइट, इट शुड नॉट बी टाइट, इट शुड नॉट बी टाइट, इट्स वेरी स्नग, बिकॉज़ इसमें इतनी सारी पैडिंग्स हैं. सिट डाउन. सिट डाउन. ओह सिटिंग इट्स वेरी Now? नहीं कंफी. Because you can remove this, you can wash it. But ये बहुत comfortable. Should we go? So jeans तो हो गया. So you have this kind of shorts and jackets. हाँ. Denim is also available if you like it. And this has the padding, so you can be like fashionable and sit. ऐसा riding gear पहने ऐसा लगेगा. Wow, that's awesome, yeah. See, this looks really good, but it looks manly. Yeah, it won't go with jeans. See, अभी तू फेमिनिज्म कर रही है इसमें. फेमिनिज्म नहीं कर रही हूँ, I'm just saying it's not my style. So go for this, then check.
दोनों बहुत कंफर्टेबल है, ये वाला दोनों में से वी आर फाइनलाइजिंग, दिस इज मोर कंफर्टेबल देन माय स्नीकर। ओह रियली, ये वाला लाइक यू कैन वेयर इट एवरी डे लाइक दैट। और ये वाला जो है ना, ये भी फ्लैट है पर ऐसा लगता है कि पैर ऐसे जा रहे हैं ऐसे। तुझे कौन सा चाहिए? आई थिंक दिस इज बेटर। मैं बता नहीं सकता कितने सालों से मुझे शाइनेस के लिए एक प्रॉपर राइडिंग खेलना था, टॉप टू बॉटम हो गया। अभी कोई टेंशन, मैं हमेशा डरता था शाइनेस शूज नहीं पहने, जैकेट ठीक से नहीं पहना, या फिर पैंट में गार्ड नहीं लगे, वो कभी भी राइडिंग पैंट से पहनती थी, गार्ड लगा के पहनते थे। अभी सब कुछ हो गया, आगे जाके हेलमेट भी ले लेंगे इसके लिए। बट बड़ी फुल फेस हेलमेट पहनती नहीं, हाफ फेस पहनती, बट हाफ फेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब GST USG सब डाला हुआ है, अभी शॉपिंग किया तो GST डालना पड़ता था। मम्मी पहली चीज़, माय जेट लैग इज स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, तो मम्मी कुछ खाने का प्रबंध कर दो, खाने के बाद मैं लुढ़क ना जाऊँ इधर सो के, आई होप ना हो ऐसा। मम्मी कुछ सवाल आए थे तो वो बार बार मुझे बोलती है भैया भैया करती है, तो भैया भैया नहीं बोलती, भैया की भाषा लोग समझते नहीं है, वो सबको ऐसे ही बोलते हैं हम। अरे भैया मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, यूपी की भाषा है, लोग नहीं समझते क्या? जनरली बोलते हैं मम्मी, जनरली मैं बोलता हूँ अरे मम्मी बस करो यार, पहले मैं छोटा था तो मम्मी अरे अरे यार, अरे यार, तो पहले बहुत बड़ी चीज थी अरे बोलना, ट्यूशन में मार पड़ती थी, व्हाट इज दिस अरे तरे नहीं बोलने का, चल हट देगा यार, माँ बोले चल हट ले, ज्यादा नहीं हो गया मम्मी, ज्यादा नहीं है, पत्ता गोभी रूखी खाओ, ये कोई गरम गरम चटकेदार रोटी और गरम गरम दाल, जब गॉडजिला, कल दाल ने सुला दिया था, आज फिर दाल सुलाना दे। तो मम्मी ने हमको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, जस्ट जो कि ये सब सामान है वहाँ पर रखने जा रहे हैं। प्रॉब्ली आई डोंट नो आई विल वर्क आउट बिकॉज आई एम वेरी स्लीपी, लेट्स सी, कुछ वहाँ पर सामान भी लेना है, फिर तो सब गाड़ी में एटलीस्ट रख देता हूँ मैं, हेलमेट भी रख देता हूँ, उसकी स्कूटर इधर है, अभी क्या टाइम अपना सही हुआ है तो उसको रिस्पेक्ट करना भी अपनी ज़रूरत है। सारा सामान आ गया, और क्या अपने को एक बार में लाने की आदत रहती है, तो ऐसा टांग टांग के ऊपर लेके आए, और जो शाइनिस का गियर लेके आया उसका विस्तार में वीडियो देखना है, तो शाइनिस आई थिंक उसका वीडियो बनाएगी राइट, पहन के अच्छे से, उसके चैनल पे भी जाओ सब्सक्राइब करो और देखो। क्या कर रही तू, क्या कर रहा हूँ, कुछ टूटा, देखो शर्म है, मैं गलती से इसके पैर पे ऐसा कर दिया, और देखो कैसी आजकल की पत्नी होती है यार, मतलब मेरा पैर तोड़ रही, एंकल तोड़ रही, बोलते तू बड़ा अच्छे से चल रहा है, तेरा पैर तोड़ती हूँ मैं, अरे यार क्या झूठा बोल मैंने। अभी ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैं शाइनिस के लिए लिया था और मुझे लिटरली मौका नहीं मिला, इनफैक्ट मैं भूल गया था इस चीज़ के बारे में, मैंने दो लिया था, एक दूसरा मैं दूसरे घर में रखा है, तो बट दिस इज़ लाइक फॉर टू पीपल, मैं यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज मेरे पास गोटेक्स है। अभी ये चीज़ जब मैंने लिया तब बताया था, काफ़ी टाइम हो गया था, आप लोग भूल गए होंगे, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर है। ये हीटिंग पैड्स है, मतलब इसको मुझे पावर बैंक से कनेक्ट करना है और पावर बैंक जेब में रख देना है, और अगर जैकेट पहने कोई टी शर्ट पहने उसके अंदर अंदर रख दो और ये गर्म होना शुरू हो जाते हैं, एंड दिस इज़ लिटरली सो गुड, इट फील सो गुड। मैं भूल ही गया था, अभी हम लोग इतना ट्रैवल किए ठंडी में, वो उसको जैकेट में डाल सकते, बहुत जगह ठंडी लगी थी, और अभी हम राइड पे जाएंगे, ऑल दो अभी ठंडी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, मतलब इट्स वेरी प्रेजेंट 18-19, पर शाइनिस को 20 डिग्री में भी ठंडा लगता है, ऑल दो अभी जो पूरा राइडिंग गियर है उसके बाद तो नहीं लगेगा, फिर भी सेफ्टी के लिए ये लेके जाऊँगा, और भले इसको अपने को पावर बैंक में सर डालने का है, एंड विल स्टार्ट, ओके सो यह जब दबा के रखूँगा तो चालू हो जाता है, एंड रेड मतलब ऑब्वियसली इट्स स्टार्ट गेटिंग वार्म, आई कैन फील इट, शाइनिस कम हियर, जस्ट टच इट, it's a warmer heater, yeah it's a warmer, it's like a pad which you put inside your jacket or t-shirt or wherever you want to put, you can sit on that if you want, yeah to shanis abhi apne riding jacket ke andar dal sakti hai, oh yeah acha khasa garam ho raha hai yaar, hai na, ha aur ek baar aapne dekhe honge ye panties ke upar aate hai to basically ye thoda mehenga wala hai, of course like you can see bahut bada bhi hai aur hard bhi hai, to ispe main apne lenses aur apna laptop rakhta hu jo ki राइट पैनिस में आता है, और ये कार्गो बैग है, थोड़ा फुसकू है, ये वाटर प्रूफ नहीं, वाटर रेजिस्टेंट, वो वाटर प्रूफ है, ये टॉप बॉक्स के ऊपर आता है। मैंने अभी और एक बैग लिया है, वो है ये वाला, अब ये वाला क्या है, ये आप देख सकते हो कि उनका मिक्स है, ये वाटर प्रूफ भी है, ये सॉफ्ट भी है, तो इसमें आएंगे सारे के सारे टॉयलेटरीज। मैंने शाइनिस को एक चीज़ बोली, कुछ भी कर, इसके अंदर हमारा सब सोप शैम्पू फेस वॉश सब इसमें डाल दे, मेकअप वेकअप, ताकि ये एक जगह पे सेफ रहे, हमको पता है ये लेके ही इसके अंदर ही सब कुछ रहेगा, ये वॉशरूम में रख देंगे अपन सीधा। कैन यू डू इट? आई कैन ऑलवेज डू इट। तो एक काम कर, डेमो के लिए भी रख दे, ट्राई करके फिट करके, ताकि हम लास्ट मोड़े पंगा ना हो। मैं शाइनिस को बोला अभी टाइम है ना, तो यही सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वरना समझ गए ना। आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरा सोने का टाइम हो गया है, अभी 8 बज के नींद आना शुरू हो गई, मैं और कुछ नहीं कर सकता, ट्रांसफर करके मैं सो जाऊँ, सपोर्ट एडिट करूँगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर, आई नो अभी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रहा है, अभी मुझे धड़ाधड़ कर सब लोग कैंसिल कर रहे हैं ट्रिप, हैप्पी भाई ने भी लास्ट ब्लॉग में क्या बोला, आ रहा हूँ अभी, बोलते भाई काम कर तू आगे निकल जाना, फिर ज्वाइन करूँगा फिर, विद दैट सेड एज ऑलवेज
शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, ऑल लवली फ्रेंड्स, मिलते हैं थड़ाकेदार फड़ाकेदार व्लॉग में, अगले व्लॉग में। वो शुरू भी कर दिया यार, ये क्या चारकोल बेबी वॉश? मेरा बॉडी वॉश है, बेबी वॉश नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चा हुआ नहीं है और अभी तक।